कश्मीरी हरीसा। कश्मीरी हरीसा है। हरीसा के बारे में आपको बताते चलें, ये एक आर्मेनियन डिश है। इसकी जो रूट्स हैं ये आर्मेनिया से आई हैं। एक किलो मटन लेके हमने इसको बिल्कुल ऐसा पकाया, देखें, लेके गोश्त वाला हड्डी वाला मटन ले लें और फिर इसको इतना पकाया कि इसका रेशा जो है इसको ऐसा हो गया बिल्कुल। ये देखें, ये पतीले में एक किलो गोश्त आ गया मटन का। चावल लेके इसको हमने भिगो के रखा हुआ था, ये चावल सारे डाल रहा हूँ मैं ब्लेंडर में और इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे, बिल्कुल पाउडर फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दानेदार इसको रखेंगे जिस तरह हम खीर में शामिल करते हैं ताकि वो टेक्सचर अच्छा सा आए। थोड़ा सा और पिसेगा इसको, बस जैन में रखना है हमने, थोड़ा दानेदार रखना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया हुआ। इस चावलों को इसमें पहले अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फिर पानी शामिल करेंगे। साथ में इसमें अभी भी एक खाने का चम्मच हल्दी शामिल कर रहा हूँ, ये हल्दी इसमें आ गई। साथ में ही इसमें हमने अभी से पानी खूब सारा शामिल करना है, ये देखें क्योंकि पानी पीता जाएगा। ये तकरीबन एक दो लीटर पानी शामिल कर दिया, ये देखें, इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इसी स्टेज पे चावल और ये जो गोश्त है और यखनी जो है ये मुकम्मल तौर पे अच्छी तरीके से जैसी पिसेगी तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अभी तकरीबन दो तीन लीटर शामिल किया था, ये दो और आ गया, ये पानी और भी इसमें जाएगा। तो चूल्हा ऑन कर दिया और उबाल आने के बाद इसको धीमी आँच पर पकाएंगे। अच्छा, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम, यहाँ पे हमने पैन ले लिया और इसमें हम शामिल कर रहे हैं दो आदद बड़े साइज़ के प्याज। लेकिन कश्मीरी कुकिंग आम तौर पे सरसों के तेल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और हम भी सरसों के तेल में पका रहे हैं। ये जैसे ही तेल गर्म हुआ ये इसमें प्याज शामिल हो गए, इसकी हम आँच धीमी कर देते हैं और इसको धीमी आँच में पकने छोड़ देते हैं। ब्राउन करना है प्याज को। दो तेज़पात शामिल किए हैं, एक खाने का चम्मच मैं इसमें काली मिर्च शामिल कर रहा हूँ, इतना हमने इसमें दालचीनी शामिल कर दी, बड़ी इलायची ये मैं इसमें चार से पांच दाने शामिल कर रहा हूँ, छोटी इलायची ये तकरीबन सात से आठ दाने, इसका कश्मीरी खानों में जायका बड़ा, काली मिर्च और बड़ी इलायची और छोटी इलायची इन दो का जायका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, इसका जायका ज़्यादा आता है इसमें। साथ में लौंगे हमने तकरीबन आठ से दस इस्तेमाल कर ली और दो खाने के चम्मच में सफ़ेद ज़ीरा, ये गरम मसाले का मेरा कॉम्बिनेशन जो मैं हरीसे में इस्तेमाल करूँगा। और इसको मैंने थोड़ा सा भुनना है। भुनने से क्या होता है, इसमें एसेंशियल ऑयल होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से मसाला और खुशबूदार हो जाता है, ज़्यादा बेहतर रहता है। इसको मिक्स करते गए, साथ में इसमें मैं दो खाने के चम्मच सौंफ पाउडर अभी शामिल कर रहा हूँ, ये भी कश्मीरी खानों में बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है, इस्तेमाल होता है। साथ में एक खाने का चम्मच मैं नमक अभी शामिल कर रहा हूँ और नमक हम बाद में भी एडजस्ट करेंगे, नमक तो काफ़ी पड़ेगा इसमें। इसको मिक्स किया और अब इसको हमने घोटते जाना है। ये गरम मसाला इसमें शामिल किया, मसाला पीसते हैं और यहाँ पे प्याज फ्राई होती है। ये गरम मसाला पीसा था, इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा पानी शामिल करके इसको पीसना है, अदरवाइज ये गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर ये डिसॉल्व नहीं होगा। अब इसको 15 मिनट मजीद पकाएंगे तो हमारा हरीसा हो जाएगा तैयार। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। गरम मसाला हमेशा एंड में अगर पिसा हुआ है और एंड से मुराद 15-20 मिनट, 15 मिनट की कुकिंग बाकी हो तो चले जी। ये हो गया तैयार, अभी हमने सिर्फ इसका तड़का देना है। ये आ गया इसमें थोड़ा सा नमक, हाँ, और ये हमारा हो गया हरीसा तैयार। अब इसके ऊपर एक चीज़ डलती है बड़ी मज़े की, कुछ इंग्रेडिएंट कम है लेकिन गुजारा हो जाएगा। तेल जैसी गर्म होगा स्लाइस किए हुए लहसुन इसमें सबसे पहले फ्राई होगा और साथ में हल्दी है, मेथी बद से मुराद मेथी, कसूरी मेथी इसमें डलेगी, मेन टेस्ट इसका इसी का आएगा। साथ में लेमन जूस है और तलहार या कश्मीरी मिर्च का पेस्ट और साथ में थोड़ी सी हल्दी, ये तैयार होके इसके ऊपर आएगा। सीख कबाब भी रख सकते हैं, वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा, ये ज़्यादा आसान है। ये आगे इसमें ये देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च का पेस्ट, ये मैंने जैसे ही शामिल किया कश्मीरी मिर्च का पेस्ट, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें आएगा लेमन जूस, तीन से चार, चार पाँच खाने के चम्मच, एक खाने के चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया, एक चाय का चम्मच हल्दी और एक खाने का चम्मच आ गया इसमें कसूरी मेथी, ये इसका बड़ा मज़े का मसाला है। और ये अब हम इसके ऊपर डाल देंगे,
ये देख, बस दैट्स इट, ये हो गया आज का हमारा कश्मीरी हरीसा तैयार। कश्मीरी हरीसा, अच्छा, बकरे का उबला गोश्त 1 किलो, भीगे बासमती चावल 1/2 किलो, गर्म मसाला पाउडर 3 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड ऑयल 1 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, सौंफ 3 खाने के चमचे, लींबू 3 अदद।